देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात अजराए मजाक कहूँगा कि अगर पीटीआई के सरबरा जो पहले हर जगह से फॉर्म जमा कराते थे, इस बार शायद वो कहीं से भी जमा नहीं करा रहे, तो मुझे ये ख्याल है कि कम से कम कराची की 9 सीटों से मैं तो सब जगह से जमा करा दूँ। कम से कम ये रिवायत तो कायम रहनी चाहिए कि कोई तो हिम्मत करे जो सारी सीटों से इलेक्शन एक साथ लड़े। तो मेरे ख्याल में एक काम तो ये करते हैं। दूसरा ये कि ये इंतखाबात हम उस एमकेएम के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं जो कि एक रीब्रांडेड, रिफॉर्म्ड और एक पढ़े लिखे सुलझे हुए और बहुत संजीदा किस्म के लोगों की एमकेएम है। ये एक मुख्तलिफ एमकेएम है, एक बहुत जिसमें इस्लाहात का एक अमल मुसलसल जारी है। तो एक तो बात मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये उस माजी की एमकेएम से मुख्तलिफ एमकेएम है। और यहाँ अब हमने कसीरुल जहती, कसीरुल इकाई, कसीरुल लसानी, कसीरुल मजहब, कसीरुल सकाफती, यानी हमने हर मज़हब, हर मसलक और हर ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी शहरियों को एमकेएम में आने की दावत दी। और ये सिलसिला इतनी तेज़ी से इस वक्त जारी और सारी है कि ये जो 16 मार्च के इंतखाबात होंगे, ये बात वाज़े कर देंगे कि हमारा वोट बैंक उन 85% वोट बैंक का हिस्सा है जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में वोट ही नहीं डाला। बल्दियाती इंतखाबात में खींच तान कर ज़बरदस्ती पुलिस और इंतज़ामिया की मदद से वोटर्स टर्नआउट को, वोटर की तादाद को 15% खींच तान के किया गया। 88% लोगों ने वोट नहीं डाला। वो 88% वोटर इंशाल्लाह ताला, उसमें से हमने एक वोट बैंक बनाया है, निकाला है, जिन्होंने बॉयकॉट किया था वो इंशाल्लाह ताला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 16 मार्च को वो और साबित करेंगे कि ये जो 12% के मैंडेट पे किसका मेयर बनेगा, किसका मेयर नहीं बनेगा, इसका असल पोल इंशाल्लाह 16 मार्च को कराची के शहरी, कराची के वोटर इंशाल्लाह ताला इन 9 सीटों के इलेक्शन पर जो है वो इसका तिया पांचा कर देंगे कि असल ये शहर किसका है। तो ये इंशाल्लाह ताला 16 मार्च को वाज़ेह हो जाएगा। जी, आपका जो हलका तो खासा बड़ा है, तो कितनी उम्मीद है आपको, आप अपनी मुहिम कब से शुरू करने जा रहे हैं? ये बात तय हो गई कि आप यहाँ से लड़ेंगे या डिस्ट्रिक्ट सेंटर? अभी ये तय नहीं है। देखें, NA 252 से भी जो ज़िला गरबी में है, यहाँ से भी मैंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी अभी मैं जाऊँगा और वहाँ NA 254 जो फेडरल भी एरिया का इलाका है वहाँ से भी मैं जमा करा रहा हूँ। फिर मुझे शायद NA 244 से भी जो शायद या 243 सोसाइटी का इलाका है, 244 हाँ, वहाँ ईस्ट से भी मैं जमा कर रहा हूँ, फिर NA 247 शायद, लेकिन दो जगह से तो मैं करा रहा हूँ, ये तय है। तो लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि जो टीम इंशाल्लाह उतरेगी वो मंझेवे, समझदार, प्रेजेंटेबल लोगों की टीम है, जो ये 9 हलकों में हम टीम उतार रहे हैं। और इसमें हमने कोशिश की है कि हम अपने 40-35 साल से कम उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल करें। और फिर ये असल में 2023 का जो असल इलेक्शन होगा, ये उसकी रिहर्सल है, उसकी तैयारी हो रही है। तो ट्रेलर है, असल फिल्म तो इंशाल्लाह 2023 के जो मेन इलेक्शन होगा उसमें चलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।